हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन एक कांट मिस शो होने वाला है, बिकॉज यहां पर हमें रोमन रेंस देखने को मिलने वाले हैं, कोडी रोड्स देखने को मिलने वाले हैं, चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, रेसलमेनिया में होने वाला मैच स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक सिंगल्स मैच, रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच। तो आप सभी को पता ही है, सैंटोस एस्कोबार ने सबसे पहले रे मिस्टीरियो को इंसल्ट किया, और जब से रे मिस्टीरियो वापस आए हैं वो सैंटोस एस्कोबार को ही अपना टारगेट बनाए हुए, यानी कि वो अपना रिवेंज लेना चाहते हैं सैंटोस एस्कोबार पर। और पहले ऐसी अपडेट निकल कर आ रही थी कि ये मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस मैच को WWE इस वीक के स्मैकडाउन में ही करवाने वाली है। अब चांसेस तो है कि इनकी फ्यूड हमें इस वीक के स्मैकडाउन में भी खत्म होते हुए नहीं दिखेगी, यानी कि या तो ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए दिख सकता है, या फिर अपने टीम मेंबर्स की हेल्प से हमें सैंटोस एस्कोबार हराते हुए दिख सकते हैं रे मिस्टीरियो को। एंड यस, ड्रैगन ली भी शामिल है इस स्टोरी लाइन में। अब अगर WWE डोमिनिक का भी यूज करना चाहे तो वो कर सकती है, यानी कि वो हमें पार्टनर बनते हुए दिख सकते हैं सैंटोस एस्कोबार के। इसलिए इस स्मैकडाउन से हमें सब कुछ क्लियर होते हुए दिख जाएगा कि आखिर क्यों इस रेसलमेनिया में होने वाले मैच को WWE स्मैकडाउन में ही करवा रही है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक टैग टीम मैच ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस दी OC के बीच। एंड यस, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, बल्कि जो भी यहाँ पर जीतेगा वो रेसलमेनिया में होने वाले लैडर मैच में हो जाएगा ऐड। एंड वैसे तो ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी की ज्यादातर हारी होती है, बट चांसेस है कि यहाँ पर उनकी जीत होने वाली है, एंड वो हमें ऐड होते हुए दिखने वाले हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लैडर मैच में। एंड यस, जिस तरह से ये दोनों स्मैकडाउन में कर रहे काम, ये रेसलमेनिया के कार्ड्स में होना डिजर्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो भी एक टैग टीम मैच ही है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस AOP के बीच। एंड ये भी एक क्वालिफाइंग मैच ही है, यानी कि जो भी यहाँ पर जीतेगा वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग मैच में हो जाएगा ऐड। अब बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर किसकी जीत होने वाली, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा कमाल की टीम है, दोनों की फ्यूड भी हमें देखने को मिल रही है, बट ये लैडर मैच होने वाला है इसलिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स के जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर WWE कुछ फ्रेश करना चाहती है देन हमें AOP भी जीतते हुए दिख सकते हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा चांसेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के रहेंगे। एंड मे भी हो सकता है जिस तरह से लास्ट टाइम कैरियन क्रॉस ने इंटरफेरेंस कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी, उसी तरह से इस वीक के स्मैकडाउन में हमें बॉबी लेस्ली हेल्प करते हुए दिख सकते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को इस मैच को जीतने में। वहीं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो आप सबको पता ही है, हमें AJ स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट का मैच ऑफिशियल होते हुए दिखा था रेसलमेनिया 40 के लिए। बट गाइस, आप सबको बता दूं, AJ स्टाइल्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जहां पर वो ये बोला है कि अब से वो रेसलमेनिया तक स्मैकडाउन में नहीं आने वाले, बिकॉज उन्हें जो भी अटैक वगैरह करना था LA नाइट पर वो कर चुके, अब वो स्मैकडाउन में आते हैं तो वो पिट सकते हैं, इसलिए वो सीधा अब रेसलमेनिया में आने वाले। इसलिए गाइस, इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि हमें LA नाइट AJ स्टाइल्स के घर में जाकर उन पर अटैक करते हुए दिख सकते, बिकॉज AJ स्टाइल्स तो स्मैकडाउन में आने वाले नहीं है। एंड यस, अगर ऐसा कुछ होता है देन फैंस इस मैच के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बिकॉज़ रेसलमेनिया के पूरे कार्ड में यही एक ऐसा मैच है जिसके लिए फैंस काफी कम एक्साइटेड है। और जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच भी ऑफिशियल होते हुए दिखा रेसलमेनिया के लिए, लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच। एंड अभी तो केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन एक साथ कर रहे हैं काम, बट हां, इनके बीच दरार पड़नी धीरे-धीरे शुरू हो जाएगी, जो चीज आप सबको इस वीक के स्मैकडाउन से ही होते हुए दिख सकती है स्टार्ट। और फाइनली जिस थिंग को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स हमें आते हुए दिखेंगे फेस टू फेस। अब जैसा कि हमें रॉ में पॉल हेमन एंड कोडी रोड्स के बीच ये डील होते हुए दिखी थी कि ना तो रोमन रेंस के साथ कोई ब्लड लाइन का मेंबर आने वाला है स्मैकडाउन में, ना ही कोडी रोड्स के साथ, यानी कि दोनों होने वाले हैं अकेले। और अगर रोमन रेंस स्मैकडाउन में अकेले आने वाले बिना ब्लड लाइन के, तो ये चीज हमें देखने को मिल सकती है कि कोडी रोड्स हमें अटैक करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस पर अपने प्रोमो खत्म होने के बाद, नहीं तो हो सकता है कि हमें रोमन रेंस हमें कुछ सीक्रेट प्लानिंग करते हुए दिख जाए, यानी कि ब्लड लाइन का कोई मेंबर तो देखने को ना मिले बल्कि कोई और ही देखने को मिल जाए, जैसे कि ड्रू मैकेंटायर। बिकॉज भले ड्रू मैकेंटायर की पास्ट में काफी ज्यादा इशू रही है ब्लड लाइन के साथ, लेकिन अभी हम सब देख रहे हैं लगातार उनके मैचेस में ब्लड लाइन उन्हें हेल्प ही कर रही है। तो क्या पता अगर WWE ड्रू मैकेंटायर को भी इस पिक्चर में करना चाहती है एड, देन हमें इस वीक के स्मैकडाउन में ड्रू मैकेंटायर हेल्प करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस की। वैसे भी सेथ रॉलिंस तो अभी इन्वॉल्व है ही ब्लड लाइन के साथ, और अगर ऐसा WWE करती है देन सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के मैच में फैंस का और ज्यादा फोकस जाएगा, बिकॉज इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच से थोड़ा बहुत लाइमलाइट हट रहा है, इसलिए ड्रू मैकेंटायर को भी WWE इस चीज में कर सकती है एड। इसलिए लेट्स सी कि क्या कुछ होता है जब इस स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स आते हैं आमने सामने।
लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपके अकॉर्डिंग इस स्मैकडाउन में कौन स्टैंड टॉल करने वाला है, कोडी रोड्स या फिर रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।